अगर आप भी फेसबुक के ऊपर काम करते हैं, फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं, तो आपने कुछ भी एक्स वाई जेड अगर आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, तो कई केसेस होते हैं जिसके बाद आपने अगर पैसा कमा भी लिया तो वो पैसा आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचता। और अकाउंट में पैसा ना पहुंचने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कंटेंट डुप्लीकेट हो, या हो सकता है कि आपके पे आउट में ही प्रॉब्लम हो। सो ओवरऑल एक ही चीज़ है कि अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया और बैंक अकाउंट खुलाने के बाद आपका आपका अकाउंट एक्टिव ही नहीं है, तो आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे और ना ही जमा कर पाएंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको अपने बैंक को ठीक करना है। तो ऐसे यहाँ पे है आपका पेज प्रोफाइल आपका एक माध्यम है पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का, और दूसरा आपका जो पे आउट है वो आपका पैसा निकालने का एक जरिया है। यानी सारे पैसे वहीं इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होने के बाद में फिर जब उसका टाइम पीरियड आता है एक महीने के बाद, तो ऑटोमेटिक आपके बैंक में वो पैसा भेज दिया जाता है। बट जब तक आपका पे आउट ही नहीं ठीक रहेगा, तब तक आप पेमेंट नहीं निकाल पाएंगे, चाहे अपने जितने भी रेवेन्यू जनरेट कर लियो, 1,000, 2,500, 10,000 डॉलर, एक्स वाई जेड कोई भी डॉलर्स आपने जनरेट किया है। सो ऐसा ये केस यहाँ पर है मेरे पास, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि भी काफ़ी टाइम से काम करो, वो भी ओरिजिनल कंटेंट पे, बट अभी काफ़ी डिमोटिवेट हो चुके हैं और बोलते हैं कि सर अभी हम काम करना बंद कर देंगे भैया, कहते हैं कि इनका जो पे आउट है वही गड़बड़ है। मतलब सब कुछ सही है, इनके काफ़ी टूल्स मोनिटाइज है, एड्स एंड रील्स भी है, बोनस भी है, इन स्ट्रीम एड्स भी है, सब टूल्स एक्टिव है, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। रीज़न हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसके बारे में डिटेली पता ना हो, यार आदमी कई बार कन्फ्यूजन रहता है करे या ना करे, तो डिटेल्स में देखो समझो, और अगर आपका भी ऐसा कोई इशू है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे सबसे पहला जो अलर्ट दे रहा है, एड योर टैक्स इन्फो टू गेट पेड, सबसे पहला तो अलर्ट यही है कि इनको बोल रहा है कि भाई टू रिसीव योर अर्निंग्स एड योर टैक्स इन्फो नाउ। तो मतलब अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो अपना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे कि जो इनका रेवेन्यू है, अगर आप देखोगे कहाँ कहाँ से इनका रेवेन्यू आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका जो है परफॉर्मेंस बोनस है, सब्सक्रिप्शन है, एड्स ऑन रील्स है, फेसबुक स्टार है, और आपका एड्स पे, मतलब जो मेजर आपके टूल्स होते हैं मोनेटाइजेशन के वो सभी एक्टिव हैं। बस कुछ ही टूल्स आपका, एक सब्सक्रिप्शन का है वो पेंडिंग और एक लाइव एड्स का पेंडिंग है, बाकी इनको सारे टूल्स मिल चुके हैं। तो अब इसको हम करते हैं सबसे पहले वेरीफाई। बट इसके अलावा वेरीफाई करने से पहले आपको मैं अगर यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपको अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करो सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद, आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने जो पेमेंट मेथड यूज़ किया है वो पेपाल यूज़ किया है, जिसमें इनके 5 सोर्सेज दिखा रहा है। जैसे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करो तो आप दिख जाएंगे ये 5 सोर्सेज जो कि आपने अचीव किए हैं, आपका एड्स ब्रेक, एड्स ऑन रील, सब्सक्रिप्शन एंड परफॉर्मेंस बोनस टूल, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि अब आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है इसको अभी रिसॉल्व करना है। बट इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने से पहले, आपको जो है यहाँ पे आपका जो टैक्स आईडी है ये सभी चीज़ें आप चेंज कीजिए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो टू गेट पेड, इसको भी ऐड करना है। तो ये सब चीज़ें, बाकी ये ध्यान रखिए आपका अकाउंट टाइप जो है इंडिविजुअल होना चाहिए, बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टैक्स आईडी ऐड करते हैं। तो टैक्स आईडी ऐड करने के लिए चाहे आप इस पर क्लिक कर लो, चाहे आप यहाँ पर क्लिक कर लो, ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए इनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएगा। तो ये जो इनका एज इट इज़ एज पर पैन कार्ड में जैसा नाम है ना भैया वैसे ही रखना है। अगर आप कुछ भी आप उटपटांग नाम रखते हैं तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ये ध्यान रखिए। तो अभी यहाँ पे जैसा इनका पैन कार्ड में नाम है, इसी हिसाब से इसको नाम हम यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इनका नाम है मनीषा, ठीक है, तो MANEESHA, ठीक है, तो मनीषा यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा। लेकिन अब प्रॉब्लम इनके पास एक और है कि इन्होंने यहाँ पे निषाद लिख दिया, बट इनके डॉक्यूमेंट्स में निषाद नहीं है, है ना। तो निषाद नहीं है तो इसको आप क्या करो, अब आप इसको देखो ऐसे छोड़ोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको छोड़ोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे जो देखो, अब निषाद नहीं है तो निषाद आप लगाओ मत, तो आप यहाँ पे ट्राई करो, आप यहाँ पे कुमारी डाल दो, ठीक है, कुमारी या कुमारी डाल दो, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आप डाल दो, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। इसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया रहना, तो उसके बाद करो नेक्स्ट, और जैसे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे आगे इसको प्रोसेस फॉलो करना है। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आप, हाँ ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल है आपका, इंडिविजुअल पे क्लिक कर लीजिए। और जैसे अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि जो आपने पे आउट में इन्फॉर्मेशन भरा है वो भी आप ध्यान रखें, ठीक है, वो सेम चीज़ होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे इसको इंडिविजुअल पे क्लिक करके इसको आगे प्रोसेस करें, और जैसे आप इसको प्रोसेस करेंगे तो आगे इसमें आपसे और भी डिटेल्स मांगेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए इनका नाम हो गया, अब यहाँ पे देखिए देवी का कोई लॉजिक नहीं है, ये सब चीज़ें मत लगाइए, जो आपका नहीं है डिटेल्स में वो सब चीज़ें बिल्कुल ही मत यूज़ किए। बाकी यहाँ पे अपना
जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर एज इट इज़ फिल कर दीजिए जैसा आपके पैन कार्ड पे मेंशन है। तो कुछ स्क्रीन्स यहाँ पे आप ब्लर रहेंगे फॉर सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि भाई किसी का डेटा है, किसी की पर्सनल डिटेल्स हैं, वो आपके पास ना जाए, इसके लिए यहाँ पे स्क्रीन जो है वो ब्लर है। तो इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन करके इसको आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे फ़ोन नंबर वगैरह मेल आईडी वगैरह सब चीज़ आप बिल्कुल प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। और जैसे चेक करेंगे तो उसके बाद आपके पास में यहाँ पे देखिए कुछ भी आपने अमाउंट बनाया वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे देखिए अब आपके पास आ रहा है पेपाल मेथड, इनके पास है यहाँ पे ये है पेपाल, इन्होंने यूज़ किया हुआ, तो इसको हम करते हैं कन्फर्म। और जैसे यहाँ पे हम कन्फर्म करते हैं तो कन्फर्म करने के बाद इसको आगे का प्रोसेस करेगा। अब इसमें आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन में आपसे थोड़ी सी और डिटेल्स लेगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका पूरा जो प्रोसेस है वो डन हो जाएगा। जैसे आप देखिए अभी आ गया, इसके बाद आपके पास आ रहा है ऐड टैक्स इन्फो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपका ये ओपन होगा, यहाँ पे बोलेगा कंटिन्यू एज आपका जो प्रोफाइल का नाम है वो आप यहाँ पे कंटिन्यू एज कर दो। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल है, यहाँ पे कर दीजिए 9, पहला दूसरा भी कर दीजिए 9। और उसके बाद नेक्स्ट करके आप यहाँ पे देखिए जो मनीषा कुमारी है इसको एज इट इज़ बिल्कुल जो आपका पैन कार्ड में, जैसे इनके पैन कार्ड में सिर्फ मनीषा है तो मैं यहाँ से मनीषा ही सिर्फ डाल रहा हूँ। सिटीजनशिप इनकी इंडिया में है तो इंडिया में यहाँ पे मैं इंडिया डाल देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह सब मेंशन है, स्क्रीन ब्लर है, बट चीज़ें आपके पास यही आएंगी। ध्यान रखिए यहाँ पे आपके पास ये आई हैव यूएस टैक्स टीन वगैरह ये सब कुछ मत फिल करो, जस्ट आपके पास में आपका पैन कार्ड नंबर है वो पहले आपने जो डाला वही आपको डालना, और नाम एज इट इज़ पैन कार्ड के हिसाब से आपका एड्रेस है यहाँ पे दिखेगा आप, बट इससे पहले आप यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो एक बार ट्राई कीजिए कि अपना कंप्लीट एड्रेस जो से इनका एड्रेस है, जैसे इनका एड्रेस है एच पी एड्रेस एज पर एड्रेस मैंने इनका डिटेल्स यहाँ पर डाल दिया, पिन कोड वगैरह सब डाला हुआ है। अब आप इसको क्या करिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए, और जैसे नेक्स्ट करना आपका एड्रेस दिखाएगा आप इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे जो 0% उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे कंट्री जो है इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको कर देना है नेक्स्ट। और नीचे आइए आप यहाँ पे जो आपने नाम है जैसे पैन कार्ड के अंदर है मनीषा है ना, तो पैन कार्ड के हिसाब से डेटा डालना है, स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक मत करना वाला लेगा नहीं यहाँ पे। तो मनीष ई में मनीषा, ठीक है, डबल ई एस एच ए मनीषा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपका इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में आपका यहाँ पे जो ये टास्क है आप यहाँ पे डन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन है ये आपका फिल हो गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन में फिल होने के बाद में अगर आपको मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए आप यहाँ पे लिखा आ गया यू आर ऑल सेट फॉर नाउ और यहाँ पे देखिए सब कुछ आ चुका है। और यहाँ पे जब भी जब चाहो तो पे आउट वगैरह आप अपडेट कर सकते हो। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करता हूँ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो हमारा टैक्स है वो वेरीफाई हो गया 25 जनवरी को, यहाँ पे जिसमें 5 सोर्सेस दिखा रहा है। अब इसमें आपका जो बैंक इन्फॉर्मेशन है आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब जैसे इनका पेपाल है बट इनको पेपाल की जगह पे इनको इनका बैंक अपडेट करना है, तो बैंक में आप यहाँ पे आइए और बैंक के अंदर आप यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांसफ़र वायर ट्रांसफ़र और आपके पास में लिंक पेपाल है, तो मैं यहाँ पे वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर रहा हूँ। वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट करने के बाद मैं इनका जैसा बैंक में नाम है एज इट इज़ इनका जो डेटा है वो मैं डाल देता हूँ। इनका नाम है इसके अंदर अकाउंट के अंदर एज इट इज़ इसमें डाल दीजिए भैया। तो अब हम यहाँ पर डालते हैं इनका नाम, जो इनका नाम मनीषा है ना, और ये आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, और सिर्फ कोड भी मैं इसमें डाल देता हूँ, बट इससे पहले अकाउंट नंबर डाल देता हूँ इनका मैं। ये स्क्रीन ब्लर है क्योंकि भाई किसी का अकाउंट डिटेल है और ऐसे शेयर करना गलत है, तो यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया इनका अकाउंट नंबर, और यहाँ पे इनका ये सब डिटेल्स पूरा करेक्ट डाल दिया, सब अभी एज इट इज़ है। और एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ये फिट, ठीक है 69, ठीक है परफेक्ट। अब इनका जो स्विफ्ट कोड है, स्विफ्ट कोड कोटक महिंद्रा बैंक का सेम है, जैसे HDFC का सेम है ना ऐसे कोटक महिंद्रा बैंक का भी सेम है, तो आप कहीं का भी आप ब्रांच है आप इजीली एक ही कोड अपना स्विफ्ट कोड डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्विफ्ट कोड मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने डाल दिया यहाँ पे। और इसके बाद ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन करने के बाद इसको आप कर दीजिए अपडेट, और जैसे अपडेट करेंगे तो ये आपका ये काम हो गया ख़त्म, और आपका जब ये पे आउट है जो ये पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया। अब इसके बाद में जो भी आपके रेवेन्यू है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आ गया बिल्कुल इनका बैंक इन्फॉर्मेशन आ गया सारा, तो सारी चीज़ें फाइन हो गई, जिनका अलर्ट था जो भी इनकी समस्या थी वो सब यहाँ पे सॉल्व हो गई। इनका देखिए अब एक चीज़ है कि इनका यहाँ पे कुछ दिन के लिए पे आउट जो होल्ड पे गया, रीज़न क्योंकि जब आप भी कोई भी चीज़ अपडेट करते हैं तो वो आपका 5 दिन के लिए होल्ड पे जाता है, ये ध्यान रखें है ना, वो जाएगा। ट्रांजेक्शन के अंदर देखेंगे तो इन्होंने कुछ यहाँ पे अभी रेवेन्यूज इन्होंने कुछ छोटा मोटा इन्होंने कुछ रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट किया है, जो कि इनका पहला पेमेंट अभी कुछ बना 7.85 वो है आपका एड्स ऑन रील्स से।
तो ओवरऑल एक ही चीज़ है भैया, ये पूरा प्रक्रिया है, पूरा स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और अगर आपके पास में भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, आपका पे आउट में इशू है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस तरीके से कुछ भी समस्या है, उस चीज़ को ऐसे देखें और एज इट इज चीज़ें मैच करती है तो उसको प्रॉपर फिल कर दीजिए, और फिल करने के बाद में आपका पे आउट ठीक हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पेमेंट जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को सेव करके भी रख लेना, क्योंकि आगे आपको काम आ सकता है कभी भी, अगर कोई भी बंदा मांगे तो आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट। और सबसे अच्छी बात कि मनीषा जी का जो ट्रस्ट, मैं ध्यान रखिए जब तक वीडियो कॉल में बात ना, तब तक आईडी पासवर्ड मत शेयर कीजिए, किसी को भी मत दीजिए, मुझे भी मत दीजिए जब तक वीडियो कॉल में बात ना, क्योंकि मेरे नाम से तो बहुत सारा स्कैम है। स्कैम से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैं आपको मैंने बताया, क्या? वीडियो कॉल, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय एंड जय।